वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं इमरान खान जेल भरो तरीक रोस्ट। देखते हैं अभी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक। हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये के चार चार जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उसमें बैठ सकते हैं। मैं पागल थोड़ी हूँ इमरान खान के लिए मैं जेल जाऊँ, मेरे बच्चे कौन रखेगा? लोग इन दोनों कटोरा खान इस कदर बावला हो गया है कि सत्ता में आने के लिए पूरा मुल्क फूकने को तैयार है। बंदे का ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरी नौटंकी लेकर बैठ जाता है, और इस बार की नौटंकी है जेल भरो तहरीक। और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूँ, मैं कॉल दूंगा और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। और अगर पाकिस्तानी आवाम आप जाएंगे साइलेंट में थोपी देनी भी है, हम भी जाएंगे। हम क्यों जाएंगे, हम इन पागलों के लिए क्यों जाएंगे? गजब बेइज्जती है। कटोरा खान ने हफ्ते भर से ऐसा हल्ला काट रखा था जैसे पूरा मुल्क ही इसकी एक आवाज पर जेल जाने को तैयार हो। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में जाने के लिए। जेल पहुंचे कितने बंदे? तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब, 2-3 जो है वो 4 इनके लीडर हैं। अब भाई तुम्हें क्या लगता है ये गिरफ्तारी देने वाले 80 लोग कौन होंगे? इमरान खान समर्थक? इमरान खान का तो जान भी आंदरा, ये तो खाली एक दो ये बर्दाश्त कर लेंगे। अब तो सर बोल दे जिंदगी हमारा इलाज चल रहा है, इससे अच्छा बना जेल ही चला जाए, तो जेल में 2 टाइम का खाना भी तो मिले। भाई इन दिनों पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए जेल जाने को तैयार हैं, और उधर कटोरा खान इस गलत फहमी में डूबा हुआ है कि लोग उसकी वजह से जेल जाना चाह रहे हैं, जबकि लोग जेल जाना क्यों चाहते हैं? महंगाई इतना ज्यादा है, जेल अच्छा है इसके लिए बंदा चले जाएगा, तुम्हें सुकून तो मिलेगा। भाई आवाम भी क्या करे, ना खाने को आटा है ना रहने को घर, जेल नहीं जाएंगे तो क्या बेहतर हूरों के पास जाएंगे? जीवन यापन के लिए भी तो कुछ चाहिए, और इस वक्त बंदों को जेल से बेहतर रहने खाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पोर्कियों की हालत 100 रुपया दिहाड़ी कमांदा, मंडी च मजदूरी करदा, मैं की करा? दसो मैनू, तुसी दसो ना, बच्चियां नू खवावां, घर दा किराया दवां, बिजली दा बिल दवां। भाई कटोरा खान का ड्रामा देखो, बंदे ने जेल जाने वाले लोगों के लिए जगह जगह रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाए हुए हैं, जैसे लोगों को जेलों में नहीं नौकरी के लिए कंपनी जो बिना रजिस्ट्रेशन कोई मान्य नहीं होगा। लोग आ रहे हैं लाइने लगा के आ रहे हैं, लोग इतनी भीड़ में आ रहे हैं, लोग 200 के करीब लोग करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, अभी 1 घंटा हुआ है मैं बैठी हूँ। लोग रजिस्ट्रेशन करा क्यों रहे हैं? पूरा पाकिस्तान रजिस्टर होना चाह रहा है भाई, वो कह रहे हैं शायद जेल में खाना मिल जाए। आम आदमी तो ये सोच रहे हैं कि रोटी चावल तो मिल जाएगा जेल में, क्योंकि वो खरीद तो सकता नहीं है। मतलब कटोरा खान को पूरी चाल ही उल्टी पड़ गई, बंदा इस सोच में डूबा हुआ था कि लोग उसके समर्थन में गिरफ्तारी देंगे, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग चल रहा है। लोग गिरफ्तारी देना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन कटोरा खान के समर्थन में नहीं, बल्कि जेल में रहने खाने के जुगाड़ में। पाकिस्तानी पुलिस को पता चला कि लोग जेल में खाना मिलने की गलत फहमी पालते हुए गिरफ्तारी दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी पुलिस आवाम से 30 लट खाने के बाद बड़े बड़े हरिचंद्र की गलत फहमी दूर हो जाए। और खाने के जुगाड़ में पहले ही जेल जा चुके हैं वो। रोता क्यों हूँ आपका इमा जाना, यहाँ बैठ यही मिलेगा, नहीं खाना। समर्थकों की हालत हो गई है कि जो बंदा कल तक हजारों लोगों की गिरफ्तारी देने का दावा कर रहा था, आज उसके सपोर्ट में एक बंदा जेल जाने को तैयार नहीं। साबित पीछे है कि जेल भरो तहरीक में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी दे भी क्यों, जब कटोरा खान की पार्टी के खुद के नेताओं का ये हाल है? अब कटोरा खान की पार्टी के इस नेता को ही देख लो, बंदा जेल भरो तहरीक आंदोलन में हिस्सा लेने आया, पुलिस बैंड पर खड़े होकर जमकर फोटो शूट भी कराया, और जैसे ही पुलिस को अपनी ओर गिरफ्तार करने आते हुए देखा तो और कटोरा खान के कुछ नेताओं
पुलिस को होम सर्विस के लिए भी पहुंची, गिरफ्तारी देने के लिए जमकर आवाज भी लगाई, लेकिन सलीम रहमान के घर के बाहर पहुंच गए अहलकार स्पीकर पे ऐलान भी करवाया, लेकिन सलीम रहमान की पूरी नहीं तैयारी, इसलिए बाहर निकले न दी अपनी गिरफ्तारी। मतलब पुलिस बंदों की गिरफ्तारी के लिए दर बदर भटकती रही, लाउड स्पीकर पर जेल जाने के लिए रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन मजाल है कोई बंदा गिरफ्तारी के लिए बाहर निकल आता। लेकिन इस बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गया कटोरा खान पार्टी का एक ऐसा नेता जो काफी टाइम से बचा बचा घूम रहा था, और वो बंदा है ये नुक्ते की दुकान शाह महमूद कुरैशी, जिसका गिरफ्तारी देने से पहले कहना था जेल जाना पड़ा, आप ही जाएंगे? बिल्कुल तैयार हूं, मैं आया हूं, हाजिर हूं, अभी वैन में जा रहा हूं, गिरफ्तार करना है तो शॉप से करें। जैसे ही बंदे को गिरफ्तार किया गया तब तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, आप न जाने कहां ले जा रहे हैं, मेरा ख्याल था सीसीपीओ ऑफिस लेकर जाएंगे, लेकिन वो गुजर चुका है और कहीं और लेकर जा रहे हैं। बंदे को गिरफ्तार हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसके घर वाले जमानत के लिए शाह महमूद कुरैशी कल कब पे हुआ, आज वो रो रहा है जमानत जमानत के लिए उसका बेटा अदालत में आया हुआ। बंदों को लगता है ये गिरफ्तारी के डर से भागने वाले 24 घंटे में जेल से रिहाई की भीख मांगने वाले नेता इनकी किस्मत बदल देंगे। कोई अक्ल है आपके पास? मतलब आपने खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने समर्थकों समेत पार्टी के नेताओं को दांव पर लगा दिया है। एक तो बंदा खुद घर पर आराम फरमाता रहता है, वहीं दूसरी तरफ आवाम बंदे के घर के बाहर रात भर पहरा देती है ताकि कटोरा खान को कोई गिरफ्तार न कर ले जाए। और भाई कटोरा खान की हराम जादगी देखो, बंदा खुद गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड होकर बैठा रहता है और लोगों से कहता फिरता है मेरे ऊपर 70 FIR काटी है, कोई फिक्र नहीं जितनी मर्जी करे, इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए। मतलब भाई ये क्या लॉजिक हुआ, 70 FIR कटोरा खान पर काटी गई है और कटोरा खान ने जेल भरो तहरीक की शुरुआत क्यों की? लोगों का खौफ उतारने के लिए, जैसे FIR कटोरा खान पर नहीं लोगों पर काटी गई हो जो उन्हें खौफ होगा। इस सर फिर पागल हो गया, कटोरा फट्टू है कि बंदा खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरा मुल्क फूकने को तैयार है, अपनी पार्टी के नेता समेत समर्थकों को जेल में ठूसने को तैयार है, लेकिन अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं, जबकि इसके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में सबसे आगे इसे होना चाहिए था, लेकिन आगे छोड़ो बंदा सबसे पीछे भी नहीं है, बल्कि अंडरग्राउंड होकर और बैठा है, लेकिन फिर भी इसके समर्थकों को इसका ड्रामा दिखाई नहीं देता। शर्म करो, ओए हया करो, तुमने कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इमाम हुसैन के सामने जवाब देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय 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 भाई, देख लें कि यहाँ पर हुई है शुरू भाई जेल भरो तहरीक, जो कि भाई ने भी वादा किया था यार तू मुकर गया, ये गलत है, ये भाई नहीं, मुकर गया पंजाब पुलिस आई नहीं ना, नहीं अब घर आके तुम्हें लेकर जाए भाई, वहाँ जाओ ना, लौरियों को पकड़ते रहे और लौरिये भाग गए कि वो भाई भागा था, उसने पिक्चर ली नहीं ज्यादातर ना लोग इधर काफी पंजाब पुलिस के इधर मतलब के सिलेक्ट हुए हुए हैं, इधर उन्होंने नहीं छापा मारा, उनको पता था कि वो घर का बंदे ना आ जाए। ये बाल ट्विटर के ऊपर ना एक सरगोदे का लड़का है सरगोदा, ये परसों जो है ना वो सरगोदे की बारी थी कि सरगोदे के जो सरगोदा के जो लोग है ना वो गिरफ्तारियां लेंगे, ठीक है। अच्छा उसने क्या किया, उसने मतलब ना जाते जिस तरह ये आपने एक बंदा देखा वो जो आ रहा था है, मतलब वो वैन में उसने पिक्चर ली और साथ ही वो निकल गया, शर हो गया ना। अच्छा उसने क्या किया, उसने भी ऐसे ट्विटर एक भाई को पकड़ाया हुआ था कि मैंने ना जाना है, आपने मेरी तस्वीर लेनी है ठीक है, और उसके बाद मैं जो ना वो निकल आऊंगा, निकलना ठीक है। अच्छा वो जैसे ही वो मतलब वो सारे भीड़ से गुजर के जो है ना वो गया, एक पुलिस वाला कहीं उसको जो है ना वो मोबाइल पकड़ाते देख रहा था उसकी प्लानिंग देख रहा था पुलिस वाला, वो भी उसके पीछे पीछे पीछे, जैसे वो वैन की वो उसने दरवाजा खोला सामने आया, मैं तहरीक मैं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, जब उसने पकड़ लिया उसको ऐसे चुपेड़े टोकी था उसको पकड़ना चाहिए था उसको चुपेड़े टोक टोक ना, फिर उसने भागने की कोशिश की, फिर वो आगे पुलिस वाला भी लेकिन यकीन मानो काफी लोग तंग आ गए थे, एक फैसला तो कर बैठे थे लेकिन कल को उन्होंने इलेक्शन का एक मतलब के तरीर मतलब एक दिया डेट और फिर उन्होंने एकदम से ऐलान कर दिया कि बेमानद है भाई ना जाए ये तरीक हो गया सबसे पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि जेल भरो तहरीक बंद है। देखो ना ये ठीक है तहरीकें होती हैं जेल भरो तहरीक होती है, ये एक मतलब बहुत सारे ऐसे माशरे हैं जो इन चीजों को
मतलब एक्सेप्ट भी करते हैं और इन चीजों की कदर करते हैं कि आप कोई भी इस तरह का एहतजाज करते हैं तो वो उसका जो है ना कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे यही अगर काम आप किसी अच्छे कंट्री में करेंगे तो वहां पे एक वैल्यू होगी क्योंकि वहां पे लोग सब जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके पंजाब पुलिस की है भाई, पंजाब पुलिस तो है ही है तो लोग भी तो पंजाब के जिस तरह कहे तो मुझे कहा था सीसीपीओ ऑफिस लेके जाएंगे, ये तो कोई उसको अटक लेके चले गए, सबसे खतरनाक जी, सबसे खतरनाक जी, उधर तो भाई रोटी भी नहीं देते, उन्होंने भूखा मारा तभी जाकर फेल हुई है, इनको रोटी मिल जाती ना जेल में, बंदे ने उस उधर से कोई नहीं निकलना यार, उन्होंने भाई पीछे से शाह मोहम्मद कुरैशी का बेटा भी चला गया, मेरे बाप को छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ने पर भी आ गया, सब के सब छुड़ाने पर आ गया, जेल हो गई थी ये तहरीर भाई, इसमें कोई शक तहरीर की तो दचियां उड़ गई। देखो ना थोड़ा सा मेंटली कुछ चीजें सोचने वाली भी होती है, अगर आपने गिरफ्तारियां देनी है, ये गिरफ्तारी देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो गिरफ्तार, वो जेल के अंदर होता फिर पीछे से जाते सपोर्टर, पीछे से जो है ना जो काम भी अच्छा तो बनता भी था ना सपोर्टरों का जाना, अब वो जैसे ही वो मतलब को पता चलता है कि वो भी पुलिस वाले आ रहे हैं, वो साथ ही ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल जाता, लोग दौड़ रहे होते बचाओ, देखो जो मंगोल होते हैं ना, मंगोलों की हिस्ट्री देख लो, उनके पास ऐसे बाजे होते थे, वो जब भी एक अटैक होता था ना वो ऐसे बाजे बजाते थे, सारे मंगोल कोई बाढ़ से निकला है, कोई नाले से, कोई इधर से, कोई उधर से, सेम यही सूरत हाल है कि जब भी एक मतलब बोलते हैं ना पंजाब पुलिस आ रही है, ऐसे वो वाजा बजाते हैं, पता नहीं लगता लोग आते हैं, मंगोलिया इधर से उठ जाता है, ये इनकी मिसाल, ये तरीक भाई जेल भरो नहीं, तरीक बचाओ है कि हमें बचाओ, इमरान खान को बचाओ तरीक है, बाकी कुछ नहीं, खोखली है यार, देखे अब खुद को वो अंदर भाई बैठा हुआ है भाई, इधर से जेल भरो तरीक जा रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, चलो खैर अच्छा रौनक मेला भाई लगाया हुआ है, मेला है कौन सा सीरियस कोई जाता है कोई भी पता चल नहीं गया, सच्चे मोटरसाइकिल करवाने हाँ, आप एक चीज के ऊपर दाद दे सकते हैं, अभी पठान जरूर गए थे काफी, पिशावर में जो इनका एहतजाज हुआ था ना वो बहुत बड़ा था, उसको जो है ना वो बाकी लोगों ने उन्होंने पकड़ना भी नहीं था, पठानों को वेले बहुत है, इनको काम कार ही भाई कोई नहीं, इन्होंने आने पर बोझ ही डालना भाई, वो कमाते हैं रोटी खाते हैं ताजी और भाई काम खत्म, नहीं वो बाकी भाई वो काफी एक फ्री लोग गए थे उधर के, उन्होंने रोटी के लिए जाना था अपना बैठ कर खाने के लिए गए थे कि मिल जाएगी सुकून से अपना, लेकिन आगे से उल्टा काम हो गया, लेकिन इनको देखो ना यही थी कि एक मतलब पकड़ेंगे एक नाम होगा, एक शोहरत बढ़ेगी कि इसने इमरान खान के लिए भाई सारी दुनिया चलेगी, मतलब कि फैमिली को मिलने जाएंगे, ऐसा वो टोपी ड्रामा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही है पंजाब पुलिस हमारी कैसी है यार, तचियां उड़ा देते हैं बंदे को, मारते भी हैं साथ उसको जो है ना वो ऐसा जलील भी करते हैं कि बंदा दोबारा थाने जाने की जो है ना वो जहमत नहीं करता, मैंने कभी ऐसा कोई कर्म जुर्म स्टेप लेना भी है कोई, चलो खैर भाई ये थी इमरान खान साहब की भाई जेल भरो तरीक, आपने देखी जैसे लोग भाग रहे हैं, जैसे फोटो सेशन हो रहे हैं, करते हैं वीडियो एंड, इस वीडियो पर भाई सिर्फ 500 600 लाइक भाई कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।